विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा किया है साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह भी कहा कि सात सांसदों को चुनावी मैदान में उतारना बीजेपी की केंद्रीय रणनीति का हिस्सा है चुनाव से ठीक पहले गजेंद्र सिंह शेखावत से तमाम मुद्दों पर खास बात की न्यूज ट्वेंटी ने में अब की बार किसकी सरकार राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी आ, सर न्यूज़ ट्वेंटी में आपका स्वागत है सर सवाल पूरी पूरा राजस्थान और देश से जानना चाह रहा है सर कि बीते तीस सालों में राजस्थान में रिवाज रहा पाँच साल बीजेपी पाँच साल कांग्रेस इस बार कांग्रेस जिस जोर से कर रही है कि इस बार वो रिवाज को बदल देंगे पाँच साल में वो फिर रिपीट कर रही है क्या लग रहा है सर आपको इस बार कांग्रेस के दावों में उसकी गारंटियों पर और आपकी गारंटियों पर देखिए अपने योजनाओं के नाम पर अपने आप को मुख्यमंत्री नंबर वन घोषित करवा कर और अपने चेहरे को पूरे राजस्थान में जगह जगह चिपका कर मने गहलोत साहब ने पहले भी प्रयास किया था और 2013 में भी इसी तरह के दावे किए थे मैं याद दिला उस समय 150 के पार का दावा किया था लेकिन जनता ने 21 सीटों पर सिमटा करके निपटा दिया था इस बार तो राजस्थान की जनता जितनी मुखर और जितनी आक्रोशित होकर के चुनाव के मैदान में खड़ी है निश्चित ही प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी आ रही है और कांग्रेस जा रही है यह अब स्पष्ट हो गया है सर जिस सात गारंटी को लेकर आप लोग चुनाव तक गए पाँच सौ में सिलेंडर से लेकर चिरंजीवी योजना से लेकर के ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के कई बार ऐसे मुद्दे उठाए गए जातीय जनगणना को लेकर एम को लेकर के वो जितने भी केंद्र में जो योजनाएं या जो राजनीतिक तौर पर मुद्दे थे वो सब बीजेपी के सामने थे उन्हीं मुद्दों को कांग्रेस ने आगे किया यहाँ पे और उस आधार पर वो कह रही है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ वो कमिटमेंट वाली सरकार है वो कमेटी बनाने वाली सरकार नहीं है तो योजनाओं को लेकर आप भी कमो जब घोषणा पत्र जारी करते हैं तो वही चार का सिलेंडर और बार बार ये कांग्रेस का आरोप लगाना कि आपने उनके घोषणा पत्र को एक तरह से चुराया है तो इन घोषणा पत्रों को लेकर आपके और देखिए घोषणा पत्रों को एक समय के लिए हम एक तरफ रख दें जिस पार्टी ने 2018 के चुनाव में यानी गत चुनाव में पाँच साल पहले जो पांच बड़े वादे किए थे वो उन पांचों वादों पर फिसड्डे साबित हुई हो पूर्णतया फेल हो गई हो और ये जानते हुए ये मानते हुए क्या हमारी धरातल समाप्त हो रहा है हमारी जमीन खिसक रही है मजबूरी में वो गारंटियां महंगाई राज शिविर में दे उनको भी दुर्भाग्य से धरातल पर न उतार पाए फिर सात गारंटियां जिन पर जनता विश्वास छोड़ दीजिए सुनने को भी तैयार नहीं है ये जान करके फिर घोषणा पत्र में बहुत सारे वादे करने की कोशिश करे देखिए साहब ये जनता है इसमें एक बार जिसका विश्वास उठ जाता है वो तो दोबारा नहीं करते ये सरकार विश्वास को चुकी है इनका इन पर से भरोसा और विश्वास उठ गया है धोखेबाजों को जनता राजस्थान में दोबारा मौका नहीं देगी सर मुद्दों को लेकर भी जब आप चुनावी मैदान में जब चुनावी सभा को आप कर रहे थे प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक तो बार बार कांग्रेस ये आरोप चस्पा करती रही या आम लोगों में ये चीज़ें वो ले जाने की कोशिश करती रही कि मुद्दों के आधार पर सिर्फ वही मुद्दे आप लोगों ने उछाला जो राजस्थान के मुद्दे थे जो यहाँ के राज्य स्तर के मुद्दे थे मसलन की कन्हैया को न्याय दो जो मोबलाइजेशन की जो कोशिश है ये वो कर रहे हैं कि जब उनसे काम नहीं चला तो फिर स्वर्गीय राजेश पायलट जी को चुनावी मैदान में ले आए और इस तरीके से गोलबंदी करने की कोशिश की अगर विकास का मॉड्यूल इतना अच्छा था तो फिर ये जातीय गोलबंदी इस तरीके के मुद्दों को हवा देना देखिए तुष्टिकरण करके अपने वोट बैंक को साधने का दुष्कर्म अगर किसी ने किया था तो वो गहलोत साहब ने किया राजस्थान को दंगों की आग में भर, भर, जो है भड़का करके दंगों को दंगाइयों को संरक्षण दे करके झोंकने का काम किया राजस्थान में बहुसंख्यक समाज के मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए मंदिरों को तोड़ने वालों को सहयोग किया गया संरक्षण दिया गया राजस्थान में पुजारों की हत्याओं पर सरकार जो एक लंबा क्रम था मौन रही इस राजस्थान में सरकार नहीं स्वयं मुख्यमंत्री को वादे के खिलाफ हो जाने के कारण से और किए गए वादे के पूरा न करने के चलते हुए बाबा विजयदास को 500 दिन का अनशन करके और फिर आत्मदाह करना पड़ा जिस सरकार ने उन गरीब लोगों को जो अपनी बहन और बेटियों और बहू की इज्जत बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर के पाकिस्तान से हिंदू हिंदुस्तान आते हैं उन हिंदुओं के संरक्षण के लिए जो कानून बनाया उस कानून के खिलाफ में मुख्यमंत्री अपने वोट बैंक को साधने के लिए अपने अल्पसंख्यकों मतदाताओं को साधने के लिए उनको साथ लेकर के मोर्चा निकालते हुए खुद नजर आए तब वोट बैंक की राजनीति कौन कर रहा था और दूसरी बात रही मुद्दों की देखिए भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा है वो भी किया है जो हम पिछले इतने वर्षों से कहते थे कि हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे उसको अटकाने लटकाने और भटकाने के कितने प्रयास करने के बावजूद भी वो बना हम भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से और जनसंघ की स्थापना से कहते थे कि 370 भारत के संप्रदपुता पर एक कलंक के जैसे इसको समाप्त होना चाहिए हमने उसको समाप्त किया हम जिस आइडियोलॉजी को लेकर के चले थे कि गरीब के जीवन में परिवर्तन ला करके उसको सशक्त बनाए माननीय मोदी जी की सरकार में तेरह करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर लाया गया जो कुछ कहा वो भी किया जो ना कहा वो भी करके दिखाया लेकिन राजस्थान में राजस्थान की सरकार ने जो कहा वो तो करने का दूर जो न कहा वो करना तो दूर जो कहा वो करने के भी कहीं नहीं दिखाया इसके आगे बढ़कर अगर मैं बात करूं ये कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे न हुआ ये कहा था कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे नहीं मिला ये कहा था कि हम राजस्थान के युवाओं को सुनहरा भविष्य और रोजगार देंगे उल्टा पेपर लीक का उपहार मिला ये कहा था अपने घोषणा पत्र कि हम राजस्थान में सलामती का शासन लाएंगे राजस्थान को माफियाओं के हवाले कर दिया गया सात हज़ार बेहद बेगुना लोगों की हत्याएं हुई ये कहा था कि हम महिलाओं की सुरक्षा का प्रबंध करेंगे ये उनके घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा था कि हम हर गली मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे वो तो नहीं हुआ उल्टा दो लाख महिलाओं के साथ में दुराचार हो गया लेकिन वो ये, ये कहा था कि हम स्वच्छ प्रशासन देंगे लेकिन राजस्थान को भ्रष्टाचार में एक नंबर पर पहुंचा है ये कहा था कि हम बिजली के भाव नहीं बढ़ाएंगे साढ़े चार साल में नौ बार सरचार्ज के नाम पर बढ़ाया और अंततः न्यायालय को हस्तक्षेप करके रोकना पड़ा ये कहा था कि हम खाद बीज को सुचारू रूप से आपूर्ति को सुनिश्चित करेंगे राजस्थान में भी जो है ब्लैक में बिकती हुई लाइन लगा करके खरीदते हुए किसानों को देखा भारत सरकार के देने के बावजूद भी इस राजस्थान को अराजक प्रदेश बनाने इस राजस्थान को सबसे महंगा प्रदेश बनाने इस राजस्थान को सर्वाधिक बेरोजगारी वाला प्रदेश बनाने का पाप करने वाली पार्टी अब अगर कशीदे पढ़े तो अब जो है जनता उस पर विश्वास नहीं करेगी ये शौच हुए खाकर के बिल्ली हज को चली है देखते जाइए जनता अब की बार एक एक अपराध का हिसाब जो है वो गिन करके लेने वाली है और सवाल है सर कि अशोक गहलोत बार बार ये कह रहे हैं कि लाल डायरी का आप इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं अगर इतना ही कॉन्फिडेंट यहाँ बीजेपी थी तो सात लोकसभा सांसदों को अलग अलग, अलग चुनावी मैदान में उतारना ये उनका आत्मविश्वास बताता है कि उनके पास स्थानीय लेवल पर लोग नहीं थे मुद्दे नहीं थे इसलिए राष्ट्रीय मुद्दों के सहारे प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे के सहारे चुनावी मैदान में ही कहूँगा कि मैं किसानों का मुद्दा क्या स्थानीय नहीं था महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा क्या स्थानीय नहीं था तुष्टिकरण क्या स्थानीय नहीं था राजस्थान में भ्रष्टाचार हुआ था ये कोई जो है कहीं विदेश से आया आयातित मुद्दा था और रही बात राजस्थान में सांसदों को उतारने की तो भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ता वो कहीं जो है किसी आंध्र प्रदेश तेलंगाना जम्मू कश्मीर या केरल से तो ला करके नहीं उतारे गए थे राजस्थानी ही राज, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे थे अब भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का चेहरा किस भूमिका में काम करेगा ये तय करने का काम भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का है इसमें गहलोत साहब के पेट में दर्द या मरोड़ क्यों है मुझे समझ नहीं आता और लाल डायरी की बात कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि लाल डायरी की जांच करवा लें मैं चुनौती के साथ में कहता हूँ आज तो मुख्यमंत्री हो आज ही कागज़ भेज दो सीबीआई की जांच के लिए सात दिन में अगले लाल डायरी का पर्दाफाश हो जाएगा क्योंकि लाल डायरी तो खुली किताब की तरह है जिसमें इस वर्तमान सरकार के भ्रष्टाचार के काले कारनामे अंकित हैं लेकिन वो एक लाल डायरी नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि इस सरकार के सारे भ्रष्टाचार के काले कारनामे खोलेंगे गुलाबी नीली पीली हरी कई डायरियाँ अभी तो काले पन्नों से रंगी भी मिलेंगी एक आखिरी सवाल है सर कि लोग पूछ रहे हैं कि बीते 20 साल का जो राजस्थान का विधानसभा चुनाव हुआ वो चेहरे के आधार पर लड़ा गया और इसको लेकर कभी गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम मालवार से आता है कभी कोई बालकनाथ उधर कहते हैं जो जो सांसद चुनाव लड़ रहे हैं तो चेहरा एक बड़ा इशू है सर और दूसरा एस्ट्रोलॉजर तो आप है नहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें सा इंतजार करिए अगले चार दिन तक इंतजार करिए और इंतजार का फल निश्चित रूप से मीठा होगा ये तो तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में जीतेगी ये मैं कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी और जब मैं इतिहास बनाने की बात करता हूं तो तेरह में हम एक सौ सीट ला चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता जिसे पार्लियामेंट्री बोर्ड ये जिम्मेदारी देगा विधायकों की अनुशंसा पर वो मुख्यमंत्री होगा और हम सब मिलकर के उसको जो है सफल बनाने के लिए यशस्वी बनाने के लिए सब लोग मिलकर के काम करेंगे तो राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा कौन सी पार्टी की सरकार आएगी क्या राजनीति का रिवाज टूटेगा या बदस्तूर जारी रहेगा इन सवालों के जवाब तीन दिसंबर को जब मतगणना होगी उसके बाद तय होगा कि राजस्थान में इस बार किसकी सरकार कैमरामैन संजय किसिन के साथ ऋषिकेश कुमार न्यूज ट्वेंटी जोधपुर चुनाव मतलब न्यूज ट्वेंटी